हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए जिसके बारे में भी सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे आपका गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, जिसको भी सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति को इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 times। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। करंट एनर्जी, टू मोर कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सोलमेट and we have service, acceptance and dissipating। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि करंट एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ओवरऑल एनर्जी वी हैव सोल मेट विद बैलेंस। आपके पर्सन अगर कॉन्टैक्ट में है या नो कॉन्टैक्ट में है, आपके पर्सन को ये अंदाज़ा है कि आपके साथ पास्ट लाइफ कार्मिक एनर्जी है, कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन है आपके पर्सन के साथ। क्यों ऐसा बोल रही हूँ मैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ये भी एक कारण है। आप इनका साथ नहीं छोड़ते ऐसे घोर कलयुग में, जहाँ पर आज आप किसी से ब्रेकअप करें तो 2 दिन बाद आपको कोई और किसी और के साथ नज़र आ जाए। ऐसी सिचुएशन में अगर आप लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं, ट्रू लव करते हैं और अनकंडीशनल लव करते हैं विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस, तो ये एक बड़ा पॉइंट है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपका कुछ ना कुछ तो डिवाइन बॉन्ड है, डिवाइन कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पर जो वाइब्स हैं, इनको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि इन्हें विजन आते हैं, इन्हें ऐसे विजन्स आते हैं, ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो कि इस लाइफ से रिलेटेड नहीं है। आपको ये किसी और घर में देखते हैं, आपको ये किसी और लोकेशन पर देखते हैं, आपको ये किसी और रूप में देखते हैं या किसी और सिचुएशन में देखते हैं। इन्हें ऐसा अंदाज़ा अंदर अंदर लग रहा है कि आपके साथ ये कितनी भी कोशिश कर लें अपने आप को इस लव लाइफ से बचाने की या इस सिचुएशन से बचाने की, बट ये नहीं बचा सकते। इन्हें पता है कि आपके बिना ये कुछ नहीं है इस लाइफ में, ये चाहे भी आपसे दूर होना तो नहीं हो सकते, चाहे ये आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, डजेंट मैटर। अगर आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है, अगर आप दोनों में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इन्हें इस बात का रियलाइजेशन है। इनकी एनर्जी में ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक नेचर के हैं, हो सकता है बहुत बिजी शेड्यूल इनका होता हो या अपने आप को बिज़ी रखने का ये कोई ना कोई इन्होंने साधन ढूंढ रखा है और जानबूझ के अपने आप को बिज़ी रखते हैं। इन्हें दर्द है, दर्द में है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिसके कारण इन्हें बहुत ज़्यादा दुख है। ये भी नज़र आ रहा है कि इनको लगता है कि आप दोनों की डेस्टिनी एक है, लेकिन कुछ लोगों ने इनका परसेप्शन चेंज किया है, कुछ लोगों ने इनको बहकाया है, आपके खिलाफ़ किया है। हो सकता है इनके अपनों ने ही किया हो, इनके कोई अपने जैसे दोस्त मित्र, अपने घर के कोई लोग जिनसे इन्होंने शेयर किया हो, उन्होंने इनको आपके ख़िलाफ़ भड़का दिया है, जिस इनका परसेप्शन चेंज करने की कोशिश करी है, इनका पूरा विजन चेंज करने की कोशिश करी है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। कुछ लोगों के पर्सन तो उनकी बातों में आ भी चुके थे किसी न किसी रीज़न से, और उनको कोई बात उनकी ऐसी लगी जैसे कि कहीं ऐसा सच तो नहीं है, जिसके कारण इन्होंने अपने आप को आपसे दूर करने की कोशिश तो की, लेकिन इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप ऐसे नहीं हो। इन्हें आपकी जो बिहेवियर है उससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि आप बहुत नर्चरिंग क्वालिटी के हो, आप बहुत केयरिंग हो। जब आप इनकी इतनी केयर करते हो, इतना नर्चर करते हो, तो आप इनको जो लोग पसंद हैं उनकी क्यों नहीं करोगे।
तो इस तरह की इनकी एनर्जी है और ये अब एक्सेप्टेंस मोड में है। इन्हें पता है इनको कोई ना कोई डिवाइन गाइडेंस मिल रही है जिससे इन्हें ये अंदाज़ा लग रहा है कि ये गलत थे या इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ की हैं और इसीलिए अब ये पछता रहे हैं। अब ये अपने परसेप्शन को भी चेंज करने के मूड में है। एक्सपेंशन की एनर्जी है विद रिन्यूअल, एक नई एनर्जी में आपको आपके पर्सन नज़र आ सकते हैं। इवन ये आपको ऐसा शो कर सकते हैं जैसे आप इनकी लाइफ का वो ख़जाना हो जिसे ये बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि उस ख़जाने को कोई और चुरा ले, आपकी शादी कहीं और हो जाए या आप इनसे दूर हो जाएं, ऐसा ये नहीं चाहते। तो ये वाली एनर्जी है, अगर आप दोनों में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो ये बहुत जल्द कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी वी हैव सोलमेट विद बैलेंस। तो ये इनकी करंट एनर्जी है, करंट सिचुएशन है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सूर्य इन एट्थ हाउस की वीडियो डाली है, उसमें मैंने एक कमेंट देखा है जिन्होंने पूछा है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सूर्य किस हाउस में है। तो मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहती हूँ, अगर आप ये रीडिंग देख रहे होंगे। मैंने लर्न एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ इसीलिए बनाई थी ताकि आप लोगों को जब मैं वीडियोस पोस्ट करूँ तो आपको पता हो, बेसिक क्लियर हो कि कौन से हाउस में हम देखें, हमारा बर्थ चार्ट कैसे देखें। आप ऑनलाइन, अगर आपकी कुंडली बनी बनाई नहीं भी है तो आप ऑनलाइन अपनी कुंडली निकाल सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के, और उस कुंडली, उस लग्न चार्ट को फॉलो करके या उस नवमांशा चार्ट को फॉलो करके आप मेरे सारे वीडियोस से अपनी कुंडली खुद देख सकते हैं और आपकी लाइफ में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर कुछ आप सॉल्व कर सकते हैं। सो आप पहले लर्न एस्ट्रोलॉजी वीडियोज़ देखिए ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ हैं, बहुत बड़े वीडियोज़ नहीं हैं और हार्डली 4 पार्ट्स हैं, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको, आपका जब लग्न चार्ट आपके पास आ जाएगा तो उसमें जो भी हाउसेज में जो भी प्लैनेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो उसको देख सकते हैं। सो पहले केतु की सीरीज़ चल रही थी, अब सूर्य की सीरीज़ चल रही है, सूर्य के बाद नेक्स्ट प्लैनेट की सीरीज़ चलेगी और बीच बीच में थोड़े गैप के बाद मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर आऊँगी मैरिज और करियर पर, इवन लव अफेयर्स पर। सो आपका बेस तब तक क्लियर कर लो ताकि मैं बहुत आगे ना निकल जाऊं और आप बहुत पीछे ना रह जाओ, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या, इसलिए बेस क्लियर कर लो। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है, एंजल्स कलेक्टिवली। ओए ओए कौन है इतने स्पीड में? हाँ स्वर्ड्स ही हो सकते हैं, रॉकेट की तरह स्वर्ड्स ही निकल सकते हैं। देन वी हैव द एम्परर एंड एम्प्रेस। अरे इन लोगों की क्या पंगा है भाई, हमेशा साथ में आते हैं, चाहे मेजर अरकाना हो, कोई भी डेक हो, जोड़ी हो तो ऐसी हो वरना ना हो। देन वी हैव सिक्स ऑफ अर्थ एंड थ्री ऑफ अर्थ। ये देखो कितना ग्राउंडेड एनर्जी है, एकदम आवाज़ ही नहीं आई और ये कार्ड बाहर आ गया। और वाटर एनर्जी इमोशनल, और स्वर्ड्स आया एकदम उत्पात मचा के आते हैं स्वर्ड्स। हमारा बरगंडी भी आता है तो कैसे उत्पात मचा के आता है। कुछ लोग पूछते हैं इस चैनल पर कि मेरे दूसरे चैनल का नाम क्या है, मेरे दूसरे चैनल का नाम है टैरट विद एम सिंह। सो टैरट विद एम सिंह, एस्ट्रो विद एम सिंह, दो चैनल हैं मेरे, इसके अलावा और कोई चैनल नहीं है। सो गाइज़ यहाँ पर जो इमीडिएट एक्शन निकल कर आया है वो है 7 नंबर, इम्पॉर्टेंट है 7 नंबर यहाँ केतु का है, और यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग आने वाले 7 दिन के अंदर, 7 घंटे के अंदर या 25 घंटे के अंदर, कलेक्टिवली आप 25 घंटे पकड़ कर चलिए, इस रीडिंग को देखने के बाद 25 घंटे के अंदर आपके पर्सन की जो एनर्जी होगी वो बैलेंस में रहेगी। मतलब आपके पर्सन आपके साथ और जो भी अदर सिचुएशन है उसके साथ बैलेंस क्रिएट कर चलने की कोशिश करेंगे। वो अदर सिचुएशन ज़्यादातर इनकी फैमिली नज़र आ रही है, कुछ ही लोग हैं जिनके लाइफ में करियर हो सकता है, ज़्यादातर लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी फैमिली है। मतलब आपके और आपके पर्सन के बीच में फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, चाहे ये मैरिड हो या अनमैरिड हो,
ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे कुछ चीज़ें हाइड ज़रूर कर रहे हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं ताकि आपके साथ इनका रिश्ता ख़राब ना हो। लेकिन आने वाले समय में ये होपफुल हैं कि आने वाले समय में ये प्लान करके आपको सारी सच्चाई बता देंगे। अब आपके सामने कौन सी सच्चाई आने वाली है ये तो कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी, लेकिन कोई ना कोई सच्चाई आपको इनकी तरफ से पता चलने वाली है। कुछ मैसेजेस मैं यहाँ पे आपको दे देती हूँ। अगर आप मैरिड कपल हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ ने आपके पीठ पीछे आपको धोखा दिया है, चीट किया है, ऐसी वाइब्स है। लेकिन अब इनको रियलाइजेशन है कि इन्होंने गलतियाँ की हैं और ये वापस यूनियन की एनर्जी में आएंगे, अपने बाल बच्चों के साथ, अपनी पति या पत्नी के साथ रहना चाहते हैं। इनको रियलाइजेशन है कि इनसे जाने अनजाने गलती हो गई है। इसी तरह से अगर आप अनमैरिड कपल हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो जो भी अदर सिचुएशन है उससे रिलेटेड कोई ना कोई बात आपके पर्सन ने आपसे छुपा रखी है, जो कि आने वाले समय में, अभी तो ये बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, बट आने वाले समय में आपके सामने ये बात रख देंगे। उसके बाद निर्णय आप पर छोड़ देंगे कि आपको इन्हें माफ़ करना है या आपको इनको सज़ा देनी है। सो ये वाली वाइब्स हैं। इन्हें होप है कि आप इन्हें माफ़ कर देंगे। अगर इनसे कोई गलती हुई है या इन्होंने आपसे कुछ चीज़ें छुपा रखी हैं तो आप इन्हें माफ़ कर देंगे। इवन वाइस वर्सा लीजिएगा एनर्जी को, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो ये आपको माफ़ कर देंगे, ऐसी वाइब्स भी हैं। साथ ही साथ ये प्लान कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे कि आपको रिकॉग्निशन मिले, आपको सोसाइटी में हाइड होके ना रहना पड़े। अगर आपका रिश्ता अभी हाइड है, हिडन है, तो ये ओपनली आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ओपनली आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, ये वाली वाइब्स है। और ये जो कुछ भी होने वाला है ये मैक्सिमम इस रीडिंग को देखने के बाद 25 आवर्स आप पकड़ कर चलिए, मैक्सिमम 70 आवर्स। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। अरे पहला मैसेज है, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का। देन वी हैव आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। ग्रोथ की एनर्जी है, आप चाहते हैं कि आप ग्रो करें, आपकी कॉन्शियसनेस लेवल पर भी, और आप सतर्क भी रहें, ठीक है। और आपने अगर आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें एंड हो चुकी हैं या होती हैं आने वाले समय में, तो उससे आप ये मत समझिएगा कि सब ख़त्म, ये समझिएगा कि अब कुछ नया होने वाला है, समथिंग न्यू, क्योंकि एंडिंग हमेशा एक न्यू बिगनिंग को अपने साथ लेकर आती है। ब्लेम मत कीजिएगा कभी भी किसी को, क्योंकि सब कुछ घटित होता है आपके ही कर्मों के अकॉर्डिंग। आपका जिसके साथ कर्म होगा उसी के लाइफ में आपकी एंट्री होगी। मीन्स कोई भी हमारी लाइफ में एवं नहीं मिल जाता, कुछ ना कुछ उसके साथ पेंडिंग कर्म होता है, चाहे वो एक सेकंड का हो, चाहे एक साल का हो, चाहे 100 साल का हो, उसके साथ हमारा कर्म बॉन्ड होता है। जिसके साथ जितना ज़्यादा कर्म जुड़ा होगा उसके साथ उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ अटैच्ड रहेगी। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। कुछ अपने पर्पस पे लगे हैं, लगे रहिए, काम करते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए, लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव लेकर आने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव बदलाव अपने एडवाइजर्स के थ्रू, जो भी आप सीख रहे हैं, जहाँ से भी आप सीख रहे हैं, अपने नॉलेज के थ्रू आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते रहिए। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।